दोस्तों स्वागत है आपका विंग से गुड़ ऑन में। मेरा नाम है पंकिल कपूर। आप जानते हैं कि जो लाइट चैप्टर है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो हमने शुरू किया, जिसकी 3 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, प्लेलिस्ट में है, सॉर्टेड वे में आप वो जाके देख सकते हैं। आज मैं लाइट चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ, लास्ट वीडियो होगी इसकी, जहाँ पर हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपका मायोपिया आता है, हाइपरमेट्रोपिया आता है, देन प्रेस बायोपिया आता है, एस्टिगमेटिज्म आता है। तो ये 4 मेन जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ये आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन को भी समझने से पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में बहुत जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे कि नियर पॉइंट, फार पॉइंट, पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आपको पता है मोबाइल में, कैमराज में हर जगह लेंस होता है, वैसे ही हमारे ह्यूमन आई में भी लेंस होता है, और उस लेंस का भी मेगापिक्सल है। जैसे हमारे मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है, वैसे ही हमारी आई में भी लेंस है, वहाँ भी लेंस है, हमारे आई में भी लेंस है। और एक साइंटिस्ट है, एक फोटोग्राफर है, जिनका नाम है रॉजर क्लार्क, उनके अकॉर्डिंगली 576 मेगापिक्सल का लेंस है हमारी ह्यूमन आई में। तो सोचिए, जो हम मोबाइल के जरिए देख सकते हैं या कैमरा के जरिए देख सकते हैं, बहुत क्लैरिटी आती है, आईफोन का कैमरा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, तो उससे कितना ज़्यादा हमारी ह्यूमन आई का लेंस है MP के तौर में, मेगापिक्सल्स के टर्म्स में है, तभी तो हम इतना क्लियरली देख सकते हैं और इतना दूर तक देख सकते हैं विदाउट एनी ब्लरिंग इफेक्ट, जो कि कैमरा में फिर भी आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर हम डिफेक्ट्स पे आएंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करें। आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और JK बैंक की टेस्ट सीरीज जो है वो भी शुरू हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं उसे लेना। बैंकर्स अड्डा के साथ कोलैबोरेशन करके वो टेस्ट सीरीज जो है उसे लॉन्च किया गया है। फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज नियर पॉइंट? नियर पॉइंट क्या है ह्यूमन आई के रिगार्ड में? तो देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मैगजीन ली, मैंने एक बुक ले ली, मान लीजिए इस बुक को मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी इस बुक को बहुत क्लोज रखा है अपनी आंखों के आई के, और मुझे सभी वर्ड्स जो हैं वो आपस में इंटरमिंगल होते हुए दिख रहे हैं, उनमें ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है क्योंकि बहुत क्लोज है, और मैं उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहा, मीन्स कि उनमें अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट पर आके मुझे अब हर एक वर्ड बड़े आराम से अलग अलग दिख रहा है। इट सिंपली मीन्स ये जो पॉइंट है जहां से मुझे क्लियरली दिखना शुरू हो गया, इसी पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट। और ये जो मेरी आंख से लेके यहां तक की दूरी है जहां से मुझे दिखना शुरू हो रहा है, इस दूरी को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कम से कम ऐसा डिस्टेंस जब मैं अपनी विजन को डिस्टिंक्ट कर पा रहा हूं, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तौर पर देख पा रहा हूं। लीस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देख तो मैं इस डिस्टेंस पे भी पा रहा हूं, देख तो मैं इस डिस्टेंस पे भी पा रहा हूं सारे वर्ड्स को अलग अलग, बट सबसे कम किस दूरी पे मैंने ये शुरू किया? इस दूरी पे। एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नियर पॉइंट। और ये डिस्टेंस कितना रहता है? 25 सेंटीमीटर्स फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। इट सिंपली मीन्स कि एक नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर्स की दूरी पे, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमें दिखना शुरू हो जाएगा क्लियरली। उससे पास रखोगे तो आपको ब्लरिंग इफेक्ट आएगा, आप अलग अलग वर्ड्स में अंतर नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई, आंख से सबसे करीबी ऐसा पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जिसपे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। इसी के साथ कनेक्टेड आ गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सेम, क्योंकि नियर पॉइंट और डिस्टेंस मैंने बताया आपको, पॉइंट को नियर पॉइंट बोलेंगे और इस दूरी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलेंगे। तो मिनिमम दूरी हमारी आंख से जहां से आंख को देखना शुरू हो जाता है क्लियरली, दिखना शुरू हो जाता है क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मीन्स कि हर एक वर्ड में मैं अंतर कर पा रहा हूं,
बिना किसी स्ट्रेन के आंख पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। देखो जब मैं बड़ा क्लोज रखता हूँ ना, मुझे आंख में प्रेशर पड़ता है, 10 मिनट के लिए ऐसा रखूंगा शायद मेरे को पेन होने शुरू हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझाए एक साथ। बात आती है कि सर फार पॉइंट कितना हुआ, फिर हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं। देखो यार, अगर मैं अपने टेरिस पे आ जाऊँ तो वहाँ पे अगर मैं देखने शुरू हो जाऊँ, मान लो मैं भी जम्मू में हूँ और हूँ भी, तो मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ कश्मीर, मान लो किसी और कंट्री की बात करते हैं, कैनेडा, अमेरिका, क्या मैं देख पाऊँगा? मैं तो नहीं देख पाऊँगा। इसका मीनिंग फार पॉइंट मतलब तो यही होगा ना, कहाँ तक आप देख पा रहे हो। तो इट मीन्स फार पॉइंट जो है वो मेरा फिर बहुत उससे पहले होना चाहिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा ना। क्योंकि मैं तो अपने टेरिस पे भी चढ़ के वो तो देख नहीं पा रहा डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट सिटीज। तो ऐसे इसलिए स्टूडेंट सोचता है कि फार पॉइंट जो है वो करीब होगा जहां तक हम देख पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप खुद सोचो कि क्या आप धरती पे रहते हुए चंद्रमा को, सूरज को नहीं देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो। इट मीन्स, और वो तो इतनी दूरी पे है, इट मीन्स हमारा फार पॉइंट जो है वो बहुत दूर है, जिसे हम जज नहीं कर सकते, एंड दैट इज नोन एज इन्फिनिटी। हमें डिफरेंट सिटी स्टेट्स क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज बीच में इतने ऑब्स्टेकल्स हैं, बीच में लोगों की बिल्डिंग्स आ रही हैं, हो सकता है पहाड़ियाँ, माउंटेन्स आ रहे होंगे और कुछ और ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे, और वो चीज़ें भी छोटी छोटी हैं तो दिख नहीं पा रही, सन बहुत बड़ा है तो देख तो पा रहे हैं ना, कितनी दूरी पे है वो, लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे, फिर भी हम देख पा रहे। इट सिंपली मीन्स जो फार पॉइंट होगा ह्यूमन आई का वो इन्फिनिटी पे है। तो देखिए, फॉरदेस्ट पॉइंट आई से जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उसे फार पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये इन्फिनिटी पे होता है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बात आती है व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए, मुझे इंग्लिश का सिंपल सा एक वर्ड है, एकोमोडेट या एकोमोडेशन, उसका मतलब मीनिंग क्या होगा सोचिए आप। देखो, ऐसा बोला जाता है कि मैं गाड़ी लेके कहीं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मैंने भी चलना है, 4 फ्रेंड्स पहले ही थे और एक मैं, 5 हो गए, एक फ्रेंड और आता है, बोलता है यार मुझे भी एकोमोडेट कर लो, मीन्स मुझे भी किसी तरह का तरह से एडजस्ट कर लो। तो वैसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होना, मतलब आंख में क्षमता है अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो पास वाली चीज़ों को भी देख पाए, ताकि वो दूर वाली चीज़ों को भी देख पाए, और बिना किसी प्रेशर या स्ट्रेन के। इसी क्षमता को, आंख की इसी क्षमता को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियरली, द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, वो क्षमता, वो ताकत एडजस्ट करने की फोकल लेंथ को लेंस की, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, बिकॉज लेंस को सिलियरी मसल्स ने पकड़ा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंस चौड़ा हो जाएगा, वो ऊपर जाएंगे लेंस पतला हो जाएगा। टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, देखने के लिए पास वाले और दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिनके लिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो पहला, 4 तो मैंने आपको बताया, मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। दूसरा आ गया हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। और तीसरा आ गया प्रेसबायोपिया, एंड द लास्ट वन इज एस्टिगमेटिज्म। डिटेल में हम इसे समझते हैं। अब मैं आपको साफ साफ बताऊं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर, पूछ सकता है कि फार पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। पूछ सकता है कि मायोपिया क्या है और इसे ठीक किस लेंस से किया जाता है। तो ये सब समझने के लिए याद नहीं करना, समझना है, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ना। तो पहला आ गया मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। देखो, जब भी ये वर्ड कोई बच्चा समझता ना, शॉर्ट साइटेडनेस, उसका मतलब उसको लगता है, शॉर्ट साइटेडनेस मींस कि पास का ना दिखना, नियर या शॉर्ट एक ही बात होगी। नियर साइटेडनेस मींस कि पास का ना दिखना, ये गलत है। साइटेडनेस लिखा हुआ है, साइटेडलेसनेस नहीं लिखा हुआ,
लेसनेस होता तो हमें पास का नहीं दिखता। इसके नाम से पता चल रहा है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का मीनिंग है कि एक इंसान को पास की चीजें बड़े आराम से दिख पाती हैं, क्लियरली दिख पाती हैं, बट एट द सेम टाइम जब वो इंसान दूर की चीजें देखने की कोशिश करता है तो उसे वो चीजें क्लियरली दिख नहीं पाती, जिसे बोला जाता है कि दूर की नजर कमजोर है। तो आप में से आपके किसी भी नोन की अगर दूर की नजर कमजोर हो, इट मींस कि उसे मायोपिया है, ठीक है। इट इज अ विजन डिफेक्ट, ये एक ऐसा विजन डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन जो है वो देख सकता है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, बट वो नहीं देख सकता डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को, बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, मतलब एक लिमिट तक देख सकता है बट उसके बाद नहीं वो देख सकता। और इसी डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कॉमन है चिल्ड्रन में, बच्चों में ये डिफेक्ट बड़ा कॉमन है। और आपने देखा होगा आमतौर पर छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगी होती है आज के टाइम पे। मैं आप सभी को ये बोलूँगा, अगर आपने अपनी विजन को स्ट्रांग रखना है, एक तो विजन वो हो गया कि पढ़ाई के तौर पे विजन, एक हो गई वाकई में आई का विजन। पावर अगर स्ट्रांग रखनी है तो वही जो बोला जाता है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए और मॉर्निंग वॉक पे भी कोशिश करें ग्रास के ऊपर चलने की, क्योंकि इसके जो ड्रॉप्स होते हैं जब वो हमारी बॉडी पे टच करते हैं तो उससे आई साइड जो स्ट्रांग होती है, ऐसा बोला जाता है। और मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। काज ऑफ मायोपिया, मायोपिया का काज क्या है, अब समझना। देखो, सबसे पहले ये होगी हमारी नॉर्मल आई, नॉर्मल आई दिख रही है। देखो मैंने आपको बोला ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बायो का पार्ट है, बट स्टिल यू शुड नो कि किस हिस्से पे इमेज बनती है, आंख के किस हिस्से में इमेज बनती है। तो बैक साइड ऑफ द आई, दैट इज नोन एज रेटिना, आंख के बैक साइड में रेटिना होता है, वहां इमेज बनती है। मैं स्पेलिंग यहां लिख रहा हूं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लास 9th-10th में आप सबने पढ़ा है, पढ़ा तो है ही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको याद होगा, नहीं है तो मैंने रिवीजन करवाई दी। तो इसे बोला हमारी जो आंख है ना, इसे आई बॉल बोला जाता है, ये होगी आई बॉल, ये आ गया हमारी आंख में जो लेंस पहले से लगा हुआ है, रेज आई, और ये बैक एंड ऑफ द आई जिसे बोला जाता है क्या, रेटिना, यहां इमेज बन गई, ठीक है, ये है नॉर्मल आई। बट जिसे मायोपिया हुआ होगा, होगा क्या, उसकी ये जो आई बॉल है इसका साइज बड़ा हो गया होगा, जैसे ये देखो साइज बड़ा हो गया, जिस वजह से इमेज जहां बन रही थी अभी भी वहीं बन रही है, बट क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो इसलिए अब रेटिना पे नहीं बन रही, पहले इमेज बन रही है और हमें दिखना कम हो जाता है, इसी को बोला जाएगा मायोपिक आई। तो देखो मायोपिया का काज क्या है, जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड हो गया, वो बढ़ गया एलोंगेट्स एक्सिस, इस एक्सिस पे, ताकि जो दूरी है आईबॉल और रेटिना में, इसकी और रेटिना की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ है जो आई लेंस का, वो शॉर्ट हो गया। फोकल लेंथ का मीनिंग क्या हो गया, आपको मैंने हमेशा समझाया, कल भी बताया था, जब भी एक लेंस से पैरेलल रेज आए तो जिस पॉइंट पे वो कटती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है, याद आप सभी को। तो वैसे ही क्योंकि अब यहां पे बन रहा है तो प्रिंसिपल फोकस रेटिना पे होगा, बट यहां पहले बन गया तो प्रिंसिपल फोकस पहले आ गया, इट मींस फोकल लेंथ कम हो गई। बट इस चीज को ठीक कैसे किया जाएगा, ठीक भी तो करना है, तो हम करेंगे क्या, आंख के बाहर लगा देते हैं हम स्पेक्स, स्पेक्स में कनकेव या कन्वेक्स लेंस होता है, यहां पे हमने कनकेव लेंस यूज किया। आई होप आपको ये पता होना चाहिए, कल हमने बात की है। होगा क्या, इससे जब रेज आएगी कनकेव लेंस में, वो डाइवर्जिंग होता है, वो पहले रेज को डाइवर्ज करेगा, क्योंकि पहले स्ट्रेट आ रही थी, अब वो डाइवर्ज होते हुए आएंगी, जिसकी वजह से जब अंदर हमारा कन्वेक्स लेंस लगा, आंख में कन्वेक्स लेंस होता है, वो अब जब उसे कन्वर्ज करेगा तो ये चीजें अब पीछे जाके मिलेंगी, तो पीछे जाके मीन्स रेटिना पे मिल रही है और हमारा काम सही हो गया। तो ये हो गया करेक्शन। तो इट सिंपली मीन्स अगर मायोपिया डिफेक्ट को सही करना है तो हम किस लेंस को यूज करेंगे, तो यूज करेंगे कनकेव लेंस को। आई होप अभी आपको समझ आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। फार साइटेडनेस का मीनिंग क्या हो गया कि दूर की चीजें हमें बड़े क्लियरली दिखती हैं बट पास की चीजें हमें क्लियरली नहीं दिखती, जिसे बोला जाता है कि पास की नजर जो है वो हमारी कमजोर हो गई। तो इट इज अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इसका कारण क्या है कि आई बॉल जो है वो छोटा हो गया होगा। देखो पहले इमेज यहां बन रही थी आई बॉल, अब छोटा दिख नहीं रहा, छोटा हो गया मान लो, ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये लो मैं छोटा बना तो ये लो, तो जिसकी वजह से इमेज जहां पहले बन रही थी बन वही रही है बट आईबॉल छोटा हो गया तो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही। तो इसलिए हमने बाहर कौन सा लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस, ताकि रेज पहले डाइव कन्वर्ज हो और वापस कन्वर्ज हो जाए, डबल कन्वर्जेंस हो जाए, जिस वजह से अब हमारी इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगी। इट सिंपली मींस हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना है, कन्वेक्स लेंस यूज करना है। कारण क्या था इसका, वही आईबॉल जो है वो छोटा हो गया या फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई। आई होप अभी समझ आया होगा। तो कोई पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो यू शुड से यूजिंग कन्वेक्स लेंस। द नेक्स्ट वन इज प्रेस बायोपिया। देखो अब जो प्रेस बायोपिया है ये एक कॉम्बिनेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। मींस कोई ऐसा इंसान जिसे मायोपिया भी हो और जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी हो एट द सेम टाइम, हम बोलेंगे उसे प्रेस बायोपिया है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा हमारे जो दादाजी दादी जी होते हैं वो एक ऐसा चश्मा यूज करते हैं जिसका हाफ पोर्शन कनकेव होता है हाफ कन्वेक्स होता है। वो बोलते हैं कि जब दूर से दूर देखना है तो ऊपर वाले एरिया से देखो, जब पास देखना है तो नीचे वाले एरिया से देखो। होता है ना ऐसा, एक ही लेंस पे डबल लेंस लगा होता है, एक ही स्पेक्स पे डबल लेंस लगा होता है, जिसे बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो ये डिफेक्ट कॉम्बिनेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। ये डिफेक्ट होता है एज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है ना, जो अभी हमने पढ़ी, उसमें कमी आ जाती है। कारण क्या है, वीकनिंग, कमजोर। जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा कमजोरी आती है, तो हमारे सिलियरी मसल्स जो आंख में है उसमें भी कमजोरी आती है, और हमारा आई का लेंस जो है वो हार्डन हो जाता है, वो बेंड नहीं हो पाता अच्छे से, या वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो खुल नहीं, एक्सपैंड नहीं हो पाता अच्छे से। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया अभी, बाय यूजिंग बायफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। एक ऐसा चश्मा यूज करो जिसमें कनकेव लेंस भी है कन्वेक्स लेंस भी है। और कभी कभी ऐसा बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं, वो दो चश्मे रखते हैं एक टाइम पे, गले में उन्होंने दो चश्मे डाले होते हैं, दो स्पेक्स। जब पास का देखना हो तो एक चश्मा यूज करते हैं, दूर का देखना हो दूसरा यूज करते हैं। और हम बड़ी बार बोलते भी है कि दादाजी आपने दो क्यों यूज किए, फिर वो हमें बताते हैं कि बेटा मेरी तो पास की भी कमजोर है और दूर की भी कमजोर है नजर। इसलिए बोला जाता है अपनी आंख का ख्याल बहुत रखना जरूरी है, बिकॉज अगर बॉडी में ह्यूमन आई ना होगा तो इंसान का जीना बहुत मुश्किल है। आप कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि एक इंसान का खुदा ना खासा किसी का होना नहीं चाहिए, बट अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हाथ नहीं है फिर भी वो अपनी ज़िंदगी चला सकता है, किसी का पैर नहीं है फिर भी वो किसी तरह से ज़िंदगी चला सकता है, आँख नहीं है चलाना डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल बन जाती है, बिकॉज दिख नहीं पाता हमें कुछ, और बहुत गलत हो जाता है फिर सबसे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कलरफुल है वर्ल्ड, उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही नहीं दिख पा रहा तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए बोलूँगा अगर आपकी नज़र में कभी भी कोई ऐसा इंसान आता है आपके सामने जिसकी आँख की प्रॉब्लम है, उसे दिख नहीं पाता है, तो ज़रूर उसकी मदद करिएगा जितना भी हो सकता है, ज़रूर मदद करिएगा। आने वाले दिनों में हम ज़रूर एक फाउंडेशन भी शुरू करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है, और मैं जानता हूँ हमारे साथ आप सब भी उनकी मदद करने के लिए ज़रूर आ गया होगे। लास्ट है हमारा एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म में होता क्या है कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस ये सही तरह से दिख नहीं पाती। मींस एक इंसान सामने सीधा खड़ा हुआ है, हमें हल्का सा टेढ़ा लगेगा। तो एस्टिगमेटिज्म के ऊपर आमतौर पे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको एस्टिगमेटिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो सीधी दिखती नहीं है हमें। इसे ठीक किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ करके। अब सिलेंड्रिकल लेंसेज हमारे सिलेबस में होता नहीं है, इसलिए एस्टिगमेटिज्म में कभी कोई सवाल पूछा नहीं जाता, और जिनके बारे में पूछा जाता है हमने हर वो चीज़ समझी है। आई होप आज का लेक्चर आपको सही लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाए जिसे वाकई में नीड है। आप भी जानते हैं वो चीज़ें पेड कोर्सेज में लोगों की नहीं मिल रही होगी जो हमारे YouTube चैनल पर मिल रही होगी, क्योंकि आप सबका प्यार हमें मोटिवेट करता है नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर इतना ही, थैंक्स अ लॉट।